नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज़ 100। यूपी के कानपुर के पास पुरखाया में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर ट्रेन हादसे में अब तक 115 यात्रियों की मौत, 150 से ज्यादा घायल, 76 यात्रियों की हालत गंभीर। ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है सेना और एनडीआरएफ की टीम। ट्रेन में फंसे लोगों को निकालने में जुट गई है टीम। हादसे की वजह से आपस में चिपकी कुछ बोगियां, रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी। हादसे के बाद मेडिकल टीम ने मौके पर किया घायलों का इलाज। गंभीर हालत में लोगों को कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए जांच के आदेश। रेल मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया। कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कहा हालात पर नजर। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने हादसे की जगह जाकर किया मुआयना। कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पटरी में दरार की आशंका जताई। ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। पीएम ने मदद का ऐलान किया। मारे गए लोगों के परिवार को 2 लाख, घायलों को 50,000 रुपए। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को रेलवे देगा 3.5 लाख रुपए का मुआवजा। घायलों को 50,000 की मदद। ट्रेन टिकट पर इंश्योरेंस कराने वालों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। रेलवे ने इसी साल शुरू की थी बीमा योजना। यूपी के सीएम अखिलेश ने किया मुआवजे का ऐलान। मरने वालों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की मदद। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने भी किया मदद का ऐलान। मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख, घायलों को 50,000। ट्रेन हादसे के बाद कानपुर के अस्पताल पहुंची एमपी की सीएम शिवराज सिंह चौहान। घायलों से की मुलाकात। रेल हादसे पर मुरली मनोहर जोशी ने जताया साजिश का अंदेशा। कहा केंद्र सरकार के अच्छे काम पर लांछन लगाने की कोशिश। यात्रियों के रिश्तेदारों की हर संभव मदद। रेलवे ने कानपुर, झांसी, पटना, इंदौर समेत कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए। हादसे में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 कोच क्षतिग्रस्त। फिलहाल एक्सीडेंट की वजह का खुलासा नहीं। ट्रेन हादसे के बाद झांसी कानपुर रूट की 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई। 15 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। इंदौर पटना एक्सप्रेस के B2 कोच से 2 महिलाओं को जिंदा निकाला गया। महिलाओं की पहचान भी हुई। दोनों महिलाएं पटना की रहने वाली। कानपुर के सभी सरकारी डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। रेल हादसे की वजह से निर्देश जारी किए गए। अब तक करीब 50 घायल अस्पताल पहुंचे। रेल मंत्रालय के मुताबिक हालात सामान्य होने में करीब 36 घंटे लगेंगे। ट्रैक को किया जाएगा दुरुस्त। रेल हादसे की वजह से बिहार सरकार ने स्थगित किए सभी कार्यक्रम। नीतीश सरकार के 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने का कार्यक्रम था आज। हादसे के बाद पटना में शुरू की गई हेल्प डेस्क। हादसे में मृतकों और घायलों की मिली जानकारी। रेल हादसे में 2.5 साल की सृष्टि से छिना माँ बाप का साथ। बच्ची को अब भी मम्मी पापा का इंतजार। अम्बेडकर नगर की बच्ची को अब चाचा का सहारा। ट्रेन हादसे में भोपाल के युवक की मौत। तो बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था बिहार। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में सिवान की एक महिला की मौत हो गई है। हादसे में गई दोनों बेटियों की भी जान। पति गंभीर रूप से जख्मी। ट्रेन हादसे में गाजीपुर का दूल्हा सहित 5 लोगों की मौत। पूरे गांव में पसरा मातम। इंदौर के कारोबारी ब्रजमोहन दास की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। बेटे की हालत गंभीर है। शादी के लिए परिवार साथ जा रहा था बनारस। ट्रेन हादसे में पति ने छोड़ा पत्नी का साथ। ग्वालियर के राजेश्वर प्रजापति की मौत। पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे में सुरक्षा से खिलवाड़ पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा। 2 लाख से ज्यादा पद खाली है। सुरक्षा से जुड़े 80,000 पदों पर भी होनी है भर्तियां। पाकिस्तान ने भारत को फिर दी गिरदड़ भपकी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने कहा पाकिस्तान हर जंग के लिए तैयार। आगरा में काले धन पर पीएम मोदी का तीखा हमला। बोले स्कूल का डोनेशन बंद, मकान खरीदने के लिए काला धन भी बंद। 10 दिन में 5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम बैंकों में जमा हुई। पीएम ने कहा कुछ लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा चिटफंड का धंधा करने वालों को मिली सजा। पीएम मोदी ने कहा बेकार नहीं जाएगा नोटबंदी का फैसला। नोटबंदी से बदलेगा नौजवानों का भाग्य। नोटबंदी पर मायावती ने कहा मोदी सरकार के आने वाले हैं बुरे दिन। नोट बैन पर देश की जनता देगी हिसाब। नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद। कल सुबह 9:30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की बैठक। दिल्ली में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। रैली में अजय माकन और पीसी चाकू हुए शामिल। दूसरों के अकाउंट में अपना पैसा जमा कराने वालों को आईटी डिपार्टमेंट की चेतावनी। भुगतनी पड़ सकती 7 साल की जेल। इसमें पेनल्टी के अलावा मुकदमे का प्रोविजन। आज दिन भर कई बैंक बंद रहे। एटीएम के बाहर कतार भी दिखी। इनकम टैक्स ने 2.5 लाख से ज्यादा जमा कराने वालों से मांगा जवाब। कई लोगों को नोटिस भेजे। मुंबई में एटीएम के बाहर खड़े लोगों की मदद करने में जुटा एक एनजीओ। बांटे एनर्जी ड्रिंक और पानी। झारखंड के दुमका में 3 जगहों पर छापे। 93 लाख बरामद। पोस्ट ऑफिस के क्लर्क के पास 45 लाख। आगरा को पीएम ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। 2022 तक हर परिवार के पास होगा अपना आशियाना। 2019 तक देश में 1 करोड़ मकान बनने का टारगेट। इलाहाबाद में कांग्रेस समर्थकों पर चढ़ा प्रियंका फीवर। आनंद भवन के सामने समर्थकों ने किया हवन का आयोजन। लखनऊ में वर्ल्ड चाइल्ड डे समारोह में शामिल हुए यूपी के सीएम अखिलेश यादव। बच्चों को किया सम्मानित। यूपी के बरेली में एक बेकाबू ट्रक ने बस को मारी टक्कर। एक युवक की मौत। 12 से ज्यादा लोग घायल। बरेली में हाईवे किनारे मिली युवती की अजली लाश। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। यूपी के बागपत में 8 साल से फरार चल रही इनामी हत्यारा गिरफ्तार। 2 हत्या, 1 अपहरण और 1 मारपीट का केस दर्ज। यूपी के संभल में अस्पताल के पूर्व सीएमएस से सरकारी आवास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। डीएम ने जांच के आदेश दे दिए। चंडीगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। राहुल गांधी से पूछा 10 साल में घोटालों के अलावा क्या किया। चंडीगढ़ में अमित शाह की रैली के बाहर कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
पंजाब विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। ओडिशा में बीजेपी को मजबूत बनाने की कोशिश तेज हो गई, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कई बीजेपी में हुए शामिल। जंतर मंतर पर सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को किया गया याद, स्कूल कॉलेजों में छात्रों ने जागरूकता अभियान चलाया। एमपी के सतना में बड़ा हादसा हुआ है, ट्रक ने ऑटो को कुचला, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 7 घायल। भोपाल में सीमी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद हाई अलर्ट, रेलवे स्टेशन समेत कई जगह चेकिंग। अमृतसर जालंधर हाईवे पर भयंकर हादसा हुआ है, कार और ट्रक में टक्कर हो गई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने लिखी वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी, कहा सरकारी बैंकों को भी पुराने नोट बदलने की इजाजत मिले, किसानों को परेशानी है। अहमदाबाद के न्यू क्लॉथ मार्केट में आईटी विभाग ने छापा मारा है, 40% कमीशन लेकर बदल रहे थे पुराने नोट, छापेमारी के दौरान कई नकली पहचान पत्र भी जब्त हुए। जोधपुर में भगत कोठी स्टेशन पर 10 लाख कैश बरामद, विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से आ रहे थे एक दंपत्ति से जब्त हुआ कैश। सीकर के बिजली घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। राजस्थान के सिरोही में अमेरिकी नागरिक से 1 करोड़ रुपए हड़पने का मामला, आरोपी सीए गिरफ्तार, पुरानी करेंसी को चेंज कराने के नाम पर धोखाधड़ी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मदरसों की बदहाली को देखते हुए गरीब अभिभावक पैसे इकट्ठा कर बच्चों को दिलवा रहे हैं ताली। एमपी के देवास में पानी के लिए महिला पार्षद का प्रदर्शन, पानी की टंकी पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी, नगर निगम ने 3 कॉलोनियों की काट रखी सप्लाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 लाख इनामी नक्सली का सरेंडर, 27 जवानों की हत्या में ये शामिल था। अहमदाबाद में पोरबंदर तट के पास 100 मछुआरों की बोट में आग लगी, क्रू के एक सदस्य की मौत, कोस्ट गार्ड ने 5 को बचाया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गेस्ट टीचर ने फिर शुरू किया धरना प्रदर्शन, प्रशासन पर झूठे दिलासे देकर पिछला आंदोलन खत्म कराने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 2.5 महीने से जारी हड़ताल खत्म की, सीएम हरीश रावत ने मांगे मानने का आश्वासन दिया। दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 2 महिला चोर गिरफ्तार की गई है, एक महिला का पर्स चुराते हुए पकड़ी गई मां और बेटी। जम्मू कश्मीर के रजौरी में 4 शातिर चोर गिरफ्तार, कार बाइक मोबाइल लैपटॉप बरामद। हरियाणा के सोनीपत में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, हॉरर किलिंग का शक। बठिंडा पुलिस ने हत्थे चढ़े 3 गैंगस्टर, 2 पिस्टल, 315 बोर की कारतूस और 2 कार बरामद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रेप के आरोपी को बच्चियों ने चप्पलों से उनकी पिटाई की, पुलिस बनी गई तमाश। एमपी के नरसिंहपुर में पुलिस ने एक कार से 174 किलो गांजा बरामद किया, 2 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एसिड अटैक से झुलसी 11 साल की बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई है, बाइक सवार बदमाशों ने किया था अटैक। जोधपुर नगर निगम ने शुरू की नेकी की दीवार, घर में पड़े कपड़े दान किए गए। राजस्थान के उदयपुर में एक लड़की आंखों पर काली पट्टी बांधकर किताब पढ़ने में सक्षम है, पिता ने बताया योग और विज्ञान के संगम से हुआ ये संभव। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 3 नए स्पेस साइंटिस्ट लेकर पहुंचा स्पेसशिप, अमेरिका, फ्रांस, रूस के वैज्ञानिक। अमेरिका के एरिजोना में विंग सूट प्रतियोगिता, दुनिया के कोने कोने से पहुंच रहे हैं जाबाज स्काई जंपर। पाकिस्तान लगातार बना रहा न्यूक्लियर हथियार, अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में खुलासा, 10 साल में होगा तीसरा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर जखीरे वाला देश। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है, वॉशिंगटन में ट्रंप होटल के बाहर सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तरी चीन के होइंगोल शहर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, कई इलाकों में बिजली गुल, हाईवे बर्फ से ढके। चीन के हार्बिन प्रोविंस में बर्फीले तूफान से जनजीवन प्रभावित हो गया, ट्रैफिक ठप हो गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया। चीन के युआन प्रोविंस के जू में 2 नए पांडा लाए गए, नए मेहमानों को देखने के लिए लोग जुटे। सिडनी के तरुंगो जू में दुर्लभ प्रजाति के जीव इकेडना ने दिए 3 बच्चों को जन्म, 30 साल में पहली बार किसी इकेडना ने दिया है जू में बच्चों को जन्म। श्रीलंकाई कप्तान महिला जयवर्धन बने आईपीएल सीजन 10 के लिए मुंबई इंडियंस के कोच रिकी पोंटिंग की जगह ले। गौतम गंभीर को मिली भारतीय टीम मैनेजमेंट की इजाजत, कल से रणजी ट्रॉफी मैच में राजस्थान के खिलाफ दिल्ली टीम से करेंगे कप्तान। गीता फोगाट की शादी में भिवाड़ी पहुंचे आमिर खान, गीता को शादी का जोड़ा गिफ्ट किया। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी की क्लस्टर प्रतियोगिता शुरू हो गई, बाल दिवस समारोह का यह हिस्सा है, अब 21 नवंबर को सभी स्कूलों में होगी स्पोर्ट्स मीट। बाप बेटी के इमोशनल रिश्तों पर बेस्ड एक फिल्म करेंगे संजय दत्त, उमंग कुमार फिल्म को निर्देशित करेंगे। हॉलीवुड फिल्म शेफ के हिंदी रीमेक की रिलीज डेट तय हो गई है, जुलाई 2017 में होगी रिलीज, फिल्म में सैफ अली खान भी निभा रहे हैं लीड किरदार। अनुष्का शर्मा होम प्रोडक्शन की अगली फिल्म फिल्लौरी की भी रिलीज डेट तय, 24 मार्च 2017 को रिलीज होगी, अंशाई लाल कर रहे हैं फिल्म को डायरेक्ट। लव और रिलेशनशिप पर आलिया भट्ट का बेबाक इंटरव्यू, कहा जीवन साथी का हॉट होना बहुत जरूरी नहीं है, बस वो होना चाहिए अच्छा इंसान। मुंबई पुलिस ने एक्टर एजाज खान को गिरफ्तार किया, महिला को अश्लील मैसेज और फोटो भेजने का आरोप।